सुषमा, ये तुम्हारा ब्रेकफास्ट। क्या बात है, आज तुमने खुद ब्रेकफास्ट बनाया है। आदि ने कॉल किया था। हाँ किया था ना। अब समझ में आया तुमने क्यों बनाया। तो तुम्हें लग रहा है ये सब उसके बोलने की वजह से मैंने किया है, जैसे अब तक मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता था। हैं? पता है शादी के बाद तुम कितनी ज्यादा हेल्दी हो गई हो। हा? इस पूरे घर में सिर्फ तुम्हारा राज चलता है, तुम्हारे पापा से ज्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, है ना सुषमा। हाँ। ए सुषमा, यहाँ आओ। क्या हुआ, ये क्या है? तुम उसे कॉल करो, मैं तैयार होके आती हूँ। पहले वो मैसेज करेगा, फिर फोन स्विच ऑफ कर देगा, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे? रुको, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ करो यार। उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। बोला था ना। एक बार और ट्राई करूँ क्या? हाँ, और स्पीकर पे रखना। हाँ। ठीक है, मुझे लगा था कि कुछ गलत होने वाला है, पुलिस स्टेशन जाके हमें कंप्लेन करनी होगी। कंप्लेन की क्या जरूरत है, थोड़ा वेट करते हैं। कुछ गलत हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगी क्या? हाँ, मैं क्यों लूँ, सब कुछ तुमने खराब किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँ? अच्छी बात है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। भैया स्वीट्स। तुम्हारा पहला दिन है ना। हाँ। जाओ सबको खिला दो। भैया स्वीट। सर को दिया क्या? नहीं, पहले उन्हें तो दो। हाँ। सर के ऑफिस में भेज दो। भैया स्वीट। हाँ। भैया नहीं सर। भैया बोलने दो सर, ये आपकी बहन जैसी लग रही है। तुमने फाइल ले ली ना, अब रिश्ते मत बनाओ। हाँ सर। बेवकूफ। नाम क्या है? आलिया। भट्ट। सलीमत। हाँ? भैया आपको ही मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, मैं न्यू हूँ ना, इसीलिए। सिखा दूंगा, तुम जाके सबको मिठाई दे दो, जाओ जाओ। अथु। मैडम अर्जेंट में कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट? मिसिंग कंप्लेंट है। मिसिंग कंप्लेंट? मेरे साथ भेजो, तुम जाओ, मैं फोन ट्राई करती हूँ। मिसिंग कंप्लेंट है? पहले हाथ छोड़ो। ये हमेशा क्या करते रहती है। भैया मैं कंप्लेंट लिख लूँ, इससे मैं काम सीख जाऊंगी, मेरा फर्स्ट केस है। आप बैठिए, बताइए। सर आदि खो गया है। वो तो बच्चा कितने साल का है? 32 साल का है। हा? वो 32 साल का है और आप उसे बच्चा कह रहे हैं? सर मैंने ऐसा कब बोला, मैडम ने बोला। तुमने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, बच्चा कब से लापता है? सर वो बच्चा नहीं है, वो आदि है। आदि? आदि। हाँ वो कब से लापता है? सर वो पिछले 2 घंटों से लापता है। सिर्फ 2 घंटे से लापता है? चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा, जाइए। सर भैया मिसिंग केस है, अगर कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आप इंक्वायरी करो। हाँ आदि क्या शादीशुदा है? जी हाँ सर। हाँ वो जरूर अपनी बीवी से झगड़ा करके कहीं चला गया होगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, जाइए आप। सर वो अपनी बीवी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है, मैं 100% श्योर हूँ कि वो निधि के पास गया है। अगर ऐसा है तो फिर निधि के पास जाइए, यहाँ क्यों आए हैं? सर मुझे पता है कि वो निधि को ढूंढने गया, लेकिन निधि कहाँ मुझे ये नहीं पता। भैया उसकी बीवी के घर पे होते हुए भी वो निधि को ढूंढने गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है भैया। देखिए अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सर निधि दूसरी औरत नहीं है सर। तो उसकी बीवी है क्या? सर घर में या बाहर कोई अफेयर नहीं है सर। hey, तुम कंफ्यूज मत करो यार। सर आदि के बारे में मुझे शुरू से आप डिटेल में बताइए। ठीक है सर। सर मैं सुषमा से प्यार करता था सर। हाँ सर वो मेरी बीवी है सर। तुम प्यार करते थे, अब नहीं करते? शादी के बाद चॉइस ही क्या बचती है सर, आप समझ सकते हैं ना। समझ रहा हूँ, आगे। सर आदि रोज से प्यार करता था। गॉट इट। आदि रोज से प्यार करता था, यही बात निधि को पता चल गई तो वो गुस्से में घर छोड़ के चली गई और आदि अब निधि को ढूंढने गया है, करेक्ट ना? नहीं सर। हाँ। आदि प्यार करता था हाई स्कूल में, अभी उसका कोई कनेक्शन नहीं है सर। कोई कनेक्शन नहीं है तो मुझे क्यों बता रहे हो? सर आपने तो बोला था कि आपको सब कुछ मैं डिटेल में बताऊं। हाँ, तो क्या उसके पैदा होने के बाद से पूरी कहानी बताओगे? ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और मुझे सिर्फ आदि और निधि के कनेक्शन के बारे में बताओ। बताओ
ठीक है सर। सर आदि जो से बहुत डीपली और सिंसियरली प्यार करता था। एक मिनट भैया, अगर उसकी इतनी सारी लव स्टोरी है तो निधि को अच्छा लगेगा? ए, तुम सबसे पहले यह आंख मारना बंद करो, अगर फिर ऐसा करोगे तो आंखें निकाल लूंगा। कितने लोगों से प्यार करता था वो, इन्हीं हरकतों की वजह से निधि उसे छोड़कर गई होगी। सर जो की वजह से निधि उसके पास से नहीं गई, हाँ। बल्कि जो गई तब निधि पास आई। जो गई तो निधि आई, निधि गई तो जो आई। हे आदि के लापता होने से इसका कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं तो है फिर सर। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? हाँ मैं तुम्हें मेरे जूते फटने तक मारूंगा। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं सर। सर सर क्या हुआ सर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें साध्वी के साथ कैसे रहती हो? ए बिजू सर को तुमने क्या बोल दिया? अरे मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि डिटेल में बताओ। बोल रहा था ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। वो रोज से प्यार करता था पर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं, जो से प्यार करता था पर उसकी वाइफ को प्रॉब्लम नहीं, जो उसे छोड़ के चली गई तो निधि मिल गई, अब निधि उसे छोड़ के चली गई तो लग रहा है आदि उसे ढूंढने गया है। उसकी वाइफ महान है, उसने आदि से कुछ नहीं पूछा तो फिर ये निधि क्यों प्रॉब्लम कर रही है? निधि उसकी वाइफ है सर। क्या? वही तो मैंने बताया सर आपको। तुम चुप रहो। देखो मैं अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी एक्सपीरियंस, आज तक जो कुछ भी मैंने सीखा है उन सबको मैं साइड में रख के बोल रहा हूं। उसके रासलीला को सह नहीं पाई उसकी बीवी निधि, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई। हाँ सही बोला ना मैंने? करेक्ट गलत सर? तुम चुप रहो। करेक्ट ना? बिल्कुल गलत सर। मैंने तुम्हें चुप रहने को बोला ना? करेक्ट ना? उसकी बीवी को मरे हुए 2 साल हो गए। क्या कहा सर? एक्चुअली तुम चुप रहो। हाँ बताइए सर। आप इससे पूछिए सर। हाँ तुम बताओ सर। बीजू ही बताएगा। हाँ ठीक है बोलो। नहीं सर यही बताएगी। ए, कोई तो एक बोलो। अरे बोलो ना। सर मैं बताती हूँ आपको। हाँ। आदि और निधि शादी के बाद 1 साल तक बहुत खुश थे सर। आदि निधि एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। निधि को कैंसर हो गया और उसकी डेथ हो गई सर। आदि पहले कुछ दिनों तक तो नॉर्मल था, बट धीरे धीरे किसी की जिंदगी में भी ऐसा होगा तो छे। उसे इन सब से बाहर निकालने के लिए हमने बहुत कोशिश की सर, बट सडनली एक दिन सुषमा 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 बैंक से लेटर मिला क्या तुम्हें? नहीं कोई लेटर नहीं मिला। लेटर? क्या हुआ, कहाँ जा रही हो सुषमा? हे भगवान, ओहो कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ रखा? क्या हो गया, क्या ढूंढ रही हो तुम? वो जब निधि की तबीयत खराब थी ना, हाँ? तब उसने मुझे आदि को देने के लिए एक लेटर दिया था। पर वो लेटर उसने तुमको क्यों दिया? ऐसा नहीं है, इनके अगर उसे कुछ हो जाता है, हाँ? तो ये लेटर मैं आदि को दे दूँ, हाँ? और अगर आदि सब कुछ भूल के मूव ऑन कर लेता है तो मैं लेटर जला दूँ, नहीं तो नहीं तो अगर आदि उसे भूल नहीं पाया तो ये लेटर मैं उसे दे दूँ। ओह मिल गया। देखो निधि को गुजरे हुए 1 साल हो चुके हैं। सही बोल रहे हो। तुम पागल हो गई हो क्या? भूलने वाली कौन सी बात थी? मतलब कि लेटर उसे मिल गया होता तो अब तक तो हमारा आदि ठीक हो गया होता। वैसे लेटर में क्या लिखा था? लेटर में क्या लिखा था? वही तो सर मैंने इसे पूछा था। हाँ सर पर्सनल लेटर था ना, हाँ? इसलिए मैंने नहीं पढ़ा उसे। क्या, अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों को तो बहुत बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बिना क्यूरियोसिटी के तुम लड़की कैसे हो सकती हो? आपने बिल्कुल सही समझा, अब समझ में आया तुम्हें? उसे डिसिप्लिन बोलते हैं। किसी और का पर्सनल लेटर नहीं पढ़ना डिसेंसी होती है सर। उसके बाद? सर उसके बाद उस लेटर को देने के लिए मैंने कॉल करने के लिए फोन उठाया और तभी, हाँ? अरे लो आदि का फोन आ गया। भाई तेरी उम्र 100 साल की है। अबे 100 साल तक मैं यहाँ क्या करूँगा? हाँ। कल लाइट हाउस में आ जाना, कुछ बताना है। हाँ ठीक है ना। हे, लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे कल वहाँ जा रहे हैं ना, तब उसे वहाँ दे देंगे, लेकिन मुझे अभी भी जानना है कि इसमें लिखा क्या है। कोई बात नहीं, दूसरों के मैटर में पढ़ना नहीं चाहिए, यही मैनर्स है, आराम करो। लो वो बैठा है। ये लेटर देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। हमें एक बार तो पढ़ना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो मुझे बता देगा कि क्या लिखा है। चलो आओ। हे ब्रो, एक सरप्राइज है। मेरे पास भी सरप्राइज है, उधर देखो। हाय जो। हाय सुषमा। हाय जो।
हाय बीजू। नमस्ते जो मैडम, कितने साल के बाद आप दिखी हैं। सही कहा, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं ना। सॉरी यार, मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाई। हमको भी माफ कर दो, जब तुम्हें शादी का इनविटेशन नहीं मिला तो तुम वहाँ पर कैसे आ पाती। बीजू सही कहा ना, हमेशा कॉमेडी करता रहता है। बैठो ना, आओ जो बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वहाँ चले क्या? बात करनी है? सुनो भाई, जरा साइड में जाना। हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से हिलना मत। तुम उड़ भी गई। ठीक है, हाँ जाओ, मैं आता हूँ। बोलो। हमें आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और ये पूरा बदल गया। तुम्हें तो छोड़ो, मुझे भी वहां से भगा दिया इसने। देखो इसको कैसे मुस्कुरा के बात कर रहा है इससे। और तुम भी उससे हंस-हंस के बात कर रही थी। मैं तो कैजुअल बात कर रही थी। हाँ, करोगी क्यों नहीं। तुमने ही तो इस लड़की को आदि से इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले तुम ये देवदास वाला गेटअप चेंज करो, मुझे पुराना वाला आदि ही पसंद था। बाय बाय। अच्छा तुम यहाँ आई कैसे? कैब से। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। भाई बिल दे देना। चलो थोड़ा साइड दो। जो हाँ? इतने सालों में तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई। तुमसे इतने सालों बाद मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो इसे ड्रॉप करने क्यों जा रहा है? और वो लड़की यहाँ पर आई क्यों? और हम यहाँ पर क्यों आए? आदि को लेटर देने। मेरा दिमाग खराब हो गया है। चलो जो लेटर है वो मुझे दो पहले। मेरे पास लेटर नहीं है, मैंने तुम्हें दिया था। तब तो टेबल पर ही होगा। अरे कहाँ गया? यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चला गया? सर बिल। यहाँ पे एक लेटर रखा हुआ था। नहीं सर, बिल तो सही टाइम पर ले आए तुम, लेटर तुम्हें दिखाई नहीं दिया। पता कितना इम्पोर्टेंट था वो, पता नहीं कहाँ चला गया। सर बिल तो भर दीजिए। एक्सक्यूज मी, एनी प्रॉब्लम? यस प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, गुड फूड, गुड रेस्टोरेंट and very good pretty owner. Oh, thank you so much. Please rate us on Google. Oh, yeah, yeah, 5 stars. Thank you. कितना हुआ बिल? सर, ये रहा। फोन उठा ले। शिट, फोन नहीं उठा रहा। मैं जाके अब सो जाती हूँ। जाओ जाओ जाओ, आराम करो तुम। शाम से वो जना फोन नहीं उठा रहे हैं। पता नहीं वो दोनों जिंदा भी है कि मर गए। सारी टेंशन बस मैं अकेले लूं और तुम आराम से सो जाओ। बहुत लेट हो चुका है, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए यार। सॉरी जो, उस दिन मैंने अपने दोस्तों की बात सुन के तुम्हें डांट दिया था। अगर तुमसे शादी कर ली होती तो आज लाइफ बहुत अच्छी होती। मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया था, अगर तुमने मेरी बात समझी होती तो आज इस तरह तुम देवदास बनके नहीं घूम रहे होते। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, खास करके उस विजय से। अब तुम्हें दूरियां बना के रखनी चाहिए। निधि के गुजरने के बाद मैं डिप्रेशन में आ गया था, लेकिन जैसे ही तुम्हें देखा सब कुछ भूल गया। जो, यू आर अ मैजिशियन। आदि, इधर देखो ना, मेरे पास आओ, थोड़ा और पास आओ ना, अपनी आंखें बंद करो। बाहर क्या कर रहा है तू अब तक? अबे तुझे कैसे पता कि मैं बाहर हूँ? इतनी रात को तू बाहर क्यों है? कुछ पर्सनल काम था इसलिए बाहर हूँ। वो जो क्यों आई थी तेरे पास? पर्सनल काम था इसलिए आई थी।
विजू तेरे लिए गुड न्यूज है। ये मत बोल देना कि तू उसे शादी करने वाला है। अब क्या हुआ? मैंने शादी करने के लिए डिसाइड किया है। हेलो सुषमा, 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 अरे उठो उठो, जल्दी उठो, ए उठना। ए क्या हुआ तुम्हें? आदि का कॉल आया था। क्या बोला उसने? बोला वो शादी करने वाला है। किससे? और किससे? उस जो से। जो से शादी करेगा ये बात उसने कही? उसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आदि बातों को बस गोल गोल घुमा रहा है। एक साल से मैं उससे बोल रहा हूँ कि शादी कर ले, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं मानेगा। और जो के आते ही शादी का डिसाइड कर लिया इसने। देखता हूँ कैसे दोनों शादी करते हैं। फोन तो उठा एक बार तू। भाई खुशबुआ की तू शादी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। लड़की ढूंढने की टेंशन नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये रिस्क तू क्यों ले रहा है? अबे इसमें कैसा रिस्क है यार। निधि को मैंने ढूंढा था, वो परफेक्ट थी तेरे लिए। इस बार भी लड़की मैं ही ढूंढूंगा, समझ गया ना? तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बाय। यस। बहुत अच्छी बात कही तुमने। वो अपनी ही शादी में कोई इंटरफेयर ना करे, सही है ना? सुषमा तुम बस देखती जाओ, बेस्ट लड़की ढूंढ के लाऊंगा मैं। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप बैठे रहो। देखो उसे दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। कल उसे यहाँ बुलाओ, हमें ए टू जेड सब कुछ ट्राई करना पड़ेगा। सब कुछ करेंगे। जो लड़की अभी आने वाली है वो दिखती कैसी है? क्या वो शादी के लिए मान जाएगा? मैंने वादा किया है कि मैं उसके लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढूंगा। बियर्ड में थोड़ा अजीब दिखता है यार। कौन सी लड़की उससे शादी करेगी? छे तुम ही एक्साइटेड थे कल रात को, उसके लिए मैं एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा बोले जा रहे थे। बात करती है। देखो वो आ गया। यार देखा इसे, कितना हैंडसम हो गया ये। पक्का शादी का मूड बना लिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आ रहा है ना? हाँ। तो एटीट्यूड दिखाओ, उधर देखो। हाँ ओके ओके। Hey, क्या हुआ? तुम लोग वहाँ क्या देख रहे हो? वो क्या भाई, कटिंग वटिंग करवा के हीरो बन गया क्या? आदि बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू। वो सब ठीक है, हमने कहा था तू रेडी नहीं हुआ और अब एकदम से क्यों रेडी हो गया? हाँ। hey, तुम लोग अपना हाथ देना। मैंने तुम लोग से कहा था ना, मेरी लाइफ में जितने भी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं तुम्हारी वजह से आते हैं। हमारी वजह से? तुम लोगों ने क्या किया? कल रात तुम दोनों मेरे सपने में आए थे। हम दोनों? हम। बेटा बेटा बेटा। विजू? विजू नहीं, भगवान। भगवान? आदि बेटा, जब तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार रोज को खोया था। रोज? हाँ वही रोज। तुम्हें याद है ना, हमने किसी और से तुम्हें प्यार करने के लिए मना किया था। और फिर तुम्हारी जिंदगी में जो आई और तुम्हारे साथ खेल खेलने लगी। और तब तुम ना ही निराशा में गए और ना ही तुम प्यार करने से हिचकिचाए। पर अभी तुम्हारी जिंदगी से निधि बहुत दूर चली गई है। इसीलिए अभी हम। अब मैं आगे बोलूं? मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए और ना ही मुझे आगे प्यार करने से झिझकना चाहिए, करेक्ट है ना? करेक्ट। ग्रेट हूँ मैं। हाय, यहाँ यहाँ। हाय। ओह। अरेंज मैरिज में ऐसी लड़कियां मिलती हैं क्या? मैंने तुमसे पहले ही बोला था, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हें तो स्कूल टाइम से ही जल्दी थी ना। करेक्ट बोला तूने। क्या है? ये लड़की काफी सुंदर है ना? ये लड़की ने ब्रोकर है। ब्रोकर इतनी सुंदर? हाय, आई एम जंकना। क्या जंकड़ाना ना? जंकड़ाना ना नहीं, इट्स जंकना, यू कैन कॉल मी जंकी। ओके, आई एम आदि और ये है मेरा फ्रेंड शरण। हे, मैं शरण नहीं हूँ, मेरा नाम है विजय, यू कैन कॉल मी विजू। शरारनी मतलब उसके लैंग्वेज में नमस्ते कहते हैं। ये है मेरा पति। ग्रेट, अंदर आइए। ओके, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। आदि, सुषमा ने मुझे सारी डिटेल्स दे दी हैं, तो मैं एग्जैक्टली कैसी लड़की चाहिए? कैसी? बिल्कुल आपके जैसी। मैंने इनसे इनके टेस्ट के बारे में पूछा, आपके टेस्ट के बारे में नहीं। थोड़ी सनकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही, वो सनकी होनी चाहिए। What is सनकी? सनकी is सनकी। Actually, मैसूर में सनकी means entertaining.
तो तुम्हें एंटरटेन करने वाली लड़की चाहिए। करेक्ट। ऐसी बात नहीं है सनकी, मतलब उसका कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। डोंट वरी, मैं जो भी लड़की रेफर करूंगी वो सब बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सब फ्रेश है और सेकंड मैरिज के लिए भी बिल्कुल रेडी है। पर कुछ लड़कियों में क्वालिटी इश्यूज हैं। क्वालिटी इश्यू? तुम लड़की सेलेक्ट करो। ये क्वालिटी इश्यू क्या होता है? दुबली, मोटी, छोटी, लंबी और थोड़ी सी कुबड़ी। क्या कोई फ्रेश लड़की क्वालिटी में अच्छी सुपर मॉडल जैसी लड़की मिल सकती है क्या? हाँ, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी दोस्त की नेटवर्थ 1000 करोड़ है। नहीं है, लेकिन लड़का तो हैंडसम दिखता है ना। इस जनरेशन की लड़कियाँ हैंडसम नहीं, हैसियत देखती है। वो भी सही है, मूंगफली देंगे तो बंदर ही मिलेगा, है ना सुषमा? मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला। जंकी मैम, इस ब्रोकर के काम से आप कितना कमा लेती हैं? आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम अ मैचमेकर। दोनों सेम ही होता है। ये वाली। Are you sure? अरे मुझे दिखा, कैसी है ये? ए आदि, तू श्योर है ना? ले, एक जोक सुन। पत्नी ने अपने पति से बोला कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? पति ने तुरंत चॉकलेट दे दी उसे और बोला कुछ अच्छा करने से पहले हमेशा कुछ मीठा खाते हैं। कैसा लगा जोक? अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। देख वो आ गई। आदि, एक बार और सोच ले। धीरे धीरे तेरा टेस्ट बहुत खराब होता जा रहा है यार। कुछ लोगों को कप आइसक्रीम अच्छी लगती है और कुछ लोगों को कौन पसंद आती है। हाय, तुम्हें जैसी खूबसूरत लड़की के साथ एवरेज लड़की रहती ही है, इसीलिए मैंने पूछा। या, you are right. Actually, वो मेरे जितनी सुंदर नहीं है। She's not like me. Yeah, I know. Please बैठो. Thanks. और ये एवरेज दिखने वाला मेरा दोस्त। Hi. Hi. Excuse me, sir. Your order, sir. दिखाओ. मैं देता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें दही बड़ा पसंद होगा। तुम्हें कैसे पता? इनके और मेरे लिए दही वड़ा। विजू, तू क्या लेगा? ए ब्रो, बचपन से मैंने ना इस चौचौ डिश के बारे में सुना है, तो आज इसे टेस्ट कर ही लेता हूँ। ठीक है, मंगा ले। हाँ, एक चौचौ ले आओ। ओके सर। थोड़ा जल्दी लेकर आना। मैं इसे ही फाइनलाइज करूंगी, बहुत स्मार्ट दिख रहा है। आदि, तुमने मेरा टेस्ट बिल्कुल सही गेस किया है। क्या तुम मेरे बारे में और कुछ गेस करोगे? I guess college के टाइम पे तुम्हारी फेवरेट हीरोइन थी। Hey, wait. I will do ताल मूवी ऐश्वर्या राय's boss. Wow. ऐश्वर्या राय? Yeah. और दूसरी करीना कपूर? Yeah. और recently अभी तुम दीपिका पादुकोण? Correct. तुम्हें पता है फेसबुक पर एक पोस्ट है जिसमें मैंने लुक टेस्ट किया था और वो 100% दीपिका पादुकोण से मैच हुआ है। Wow. Hey, मैंने भी चेक किया था, इसका रणवीर सिंह से मैच हो गया। मैंने भी चेक किया है, इसका मैच रणवीर कपूर के साथ हुआ है। उसका पता नहीं, पर तुम एग्जैक्टली रणवीर सिंह जैसे ही दिखते हो। थैंक यू। ए सॉरी यार, लेट हो गई। नो प्रॉब्लम, बैठो। ये मेरी फ्रेंड है सोमा। हाय। हेलो। यही है मेरी एवरेज दिखने वाली फ्रेंड। ओह, दही वड़ा मैम, तेरा ऑर्डर आने में देर लगेगी। चल कोई बात नहीं। तूने दही वड़ा ऑर्डर किया है क्या? नहीं नहीं, इसने ही हमारी फेवरेट डिश गेस करके ऑर्डर किया है। ओ अच्छा, इसे कैसे पता चला? रे रे रे। मैंने चाउचाउ मंगाया था, तुम उपमा और शीरा लेकर आ गए। चाउचाउ बात का मतलब दोनों डिश का कॉम्बिनेशन सर। ओ ऐसा होता है क्या? तूने पहले क्यों नहीं बोला? खा भी। पूर्णिमा, एक्चुअली जो लोग मेरे करीब होते हैं मुझे डार्लिंग क्यूटी कह के बुलाते हैं। ओ, ये तुम्हारा पेट नेम है? तुम मैसूर से हो ना? हाँ बिल्कुल, हम दोनों मैसूर से हैं। जनरली लोगों के पेट नेम एक होते हैं, लेकिन तुम्हारे दो दो कैसे हैं? कुछ लोग मुझे डार्लिंग बुलाते हैं, कुछ लोग क्यूटी बुलाते हैं। मुझे दोनों पसंद है, तुम जो चाहे बुला सकते हो। हाँ बिल्कुल, बुलाएगा, बुलाना। तुम कॉलेज में किसी से प्यार करते थे क्या?
ओ मैडम, कॉलेज में हर कोई प्यार में पड़ता है। मैंने भी किया, इसने भी किया, इन्होंने भी किया होगा और आपको भी पक्का हुआ ही होगा। मुझे भी हुआ था। अगर ऐसी बात है तो पुरानी बातें आप क्यों कर रही हैं? डिश इंतजार कर रही है, जल्दी से इसे खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा पूर्णिमा, डार्लिंग क्यूटी, सॉरी डार्लिंग क्यूटी, क्या तुम एक बार कर सकते हो? ए क्या कर रही हो तुम, स्टैंडर्ड मेंटेन करो ना अपना। ए तो चुप करना प्लीज, एक बार ऐसा करो ना, करो ना। मैडम क्या मैं करूं? नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम करो। आर यू श्योर? हाँ प्लीज। बेटा इसकी ख्वाहिश है, जल्दी से पूरा कर दे प्लीज। ए ये तो वही है, कंफर्म। मुझे पता है तुम चुप रहो, ये बहुत स्मार्ट दिख रहा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ए तुम इससे शादी करोगी, पागल हो गई हो क्या? हेलो मैडम, मेरा दोस्त शादी के लिए कोई मर नहीं रहा है। hey, जाने देना। मैडम शांत हो जाइए, ये खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है, हमारे लिए दो चोकोबार। चोकोबार आइसक्रीम? डार्लिंग क्यूटी, वो इनके गुस्से को कम करने के लिए। हाँ जल्दी से लेकर आओ, एक मोटी वाली को दो, एक दुबली वाली को दो। ए तुम मुझे दुबली कैसे बोल सकते हो? ए दुबली क्यूटी? हाँ अरे क्यूटी दुबली, अबे क्या नाम था इसका? डार्लिंग क्यूटी। डार्लिंग क्यूटी, डार्लिंग क्यूटी, क्या हुआ तुम्हें? एनी प्रॉब्लम? ए बेशरम लड़की, खाना बंद करो और चलो मेरे साथ, मैं भी तो तुमसे कब से वही कह रही हूँ, चलो चलते हैं। क्या देख रही हो तुम? दही वड़ा ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाय, मीटिंग कैसी रही? सच लो क्लास पीपल। हे इट्स नॉट पीपल्स, इट्स पीपल। ए चुप कर, बहुत इंग्लिश का ज्ञान बांट रही है। व्हाट द, फर्स्ट आई शुड डिलीट हर प्रोफाइल। जब तुमने उसे सेलेक्ट किया था ना, मुझे लगा ही था कि तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे। हेलो जंक। इट्स नॉट जंक, इट्स चंकी। जो भी हो, लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। व्हाट, शी रिजेक्टेड हिम? अरे वो सब बात छोड़िए अब, वैसे तुमने एंटरटेनमेंट के बारे में बताया था। हाँ कल ही तुमने कहा था कि तुम्हें एंटरटेन करने वाली लड़की चाहिए। जंकी कंफ्यूज्ड मत हो, वो अलग है और ये अलग है। तो मैसूर वालों को कैसा एंटरटेनमेंट चाहिए? अच्छा जाने दो आदि, तुम्हें अगर कोई फ्रेश लड़की चाहिए तो ऐसा क्वालिटी इशू तो होगा ही, अगर क्वालिटी चाहिए तो फ्रेश लड़की नहीं मिलेगी। क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये तुम्हारी सेकंड मैरिज है, तो तुम्हें ऐसी लड़की ही मिलेगी जो डिवोर्स ही या फिर दूसरी या तीसरी शादी के लिए रेडी हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। हे भगवान। लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। अगर बहुत अच्छा है तो फिर उसका डिवोर्स ही क्यों हुआ था? इट्स नॉट डिवोर्स, इट्स डिवोर्स। अरे जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, पर लड़कों का क्या? तुम्हारा मतलब लड़के अच्छे नहीं होते? तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ पता है क्या? देखो जंकी, तुम्हें सिर्फ थ्योरी के बारे में ही पता है, पर हम दोनों प्रैक्टिकल में जीना पसंद करते हैं। मेरे पास भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आई एम डिवोर्स्ड। ओह तुम्हारी शादी हो गई क्या? बिना शादी के किसी का डिवोर्स होता है क्या? जंकी जी आपकी अरेंज मैरिज हुई है? हाँ इसीलिए, लव मैरिज होती तो ऐसा नहीं होता। चुप हो जा, मेरी भी लव मैरिज हुई है, मैं भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को समझकर शादी नहीं की थी? बात ऐसी है कि जब हम प्यार में होते हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को विद मेकअप एक घंटे के लिए एक बार वीक में देखते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद हमें विदाउट मेकअप उन्हें झेलना ही पड़ता है। और तुम लोगों का क्या, शादी से पहले तो बड़े स्टाइल में रहते हो और शादी के बाद तुम लोगों का असली रूप सामने आता है। कौन सा रूप? कौन सा रूप? तुम्हारी गैस की प्रॉब्लम, खर्राटे लेना, तुम्हारे बदबूदार कपड़े, एंड दैट गोल्ड डिगिंग। गोल्ड डिगिंग? हाँ, नाक में वो तुम्हारा उंगली डालना। हेलो, तुम दोनों की लड़ाई देखकर मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आई एम सो सॉरी, ये लो सेलेक्ट करो। चाओ चाओ खाओ ना। मुझे उपमा और केसरी भात पसंद नहीं। ओ तुम्हें पता है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? ऑब्वियसली। स्मार्ट, ये वाली। ये क्या, तुम सिर्फ मैसूर की लड़कियां ही चूज कर रहे हो? ये मैसूर से है। रुको मैं एक वीडियो कॉल करती हूँ, अगर तुम्हें पसंद आएगी तो ही मीटिंग करवाऊंगी। हाय। हाय जानकी। तुमने मेकअप लगाया है ना? नहीं तो? हाँ गुड, यहाँ पर एक लड़का है, उससे बात करो। अच्छा ठीक है। तुम इसे सेम इसी रूप में शादी की बात भी देखोगे, बात करो। हाय। आदि। जोस एक्स बॉयफ्रेंड। तुम्हारे साथ एक दोस्त भी रहता था ना, कैसे है वो? विजू इधर आ, ये देख। हाय। हाय। क्या हम कभी मिले हैं क्या? हाँ मैंने तुम्हें देखा है जब तुम लेआउट में घूमते थे। यार वो फोटो देख, पीछे वाली फोटो देख। अरे तुम तो हमेशा लेआउट में घूमते रहते थे। तुम पुष्पा मैम की स्टूडेंट हो ना? उनकी फोटो तुमने अपने घर पे भी रखी है। तुम भी तो उनके स्टूडेंट हो, तुम्हारे घर में फोटो नहीं है? नहीं। तो
मैं उनकी फोटो क्यों रखूंगी? ये मेरी मम्मी है। मम्मी है कामना। वाओ, रॉन्ग टाइम। या लॉन्ग टाइम। नाइस मीटिंग यू, बाय। ये तो बच्ची थी, बड़ी कब हुई? तुझे कुछ याद है? ओह, वो सब याद मत दिला। उसकी मम्मी की बातें तो मुझे याद ही नहीं करनी। रोज के सामने हमारी कितनी इंसल्ट की है उसने। रोज कौन है? इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। पर कामना ने तो जो बोला वो तो रोज के बाद थी ना। हाँ, तो तुम अब तक इतनी सारी लड़कियों से एंटरटेन हो रहे थे, है ना? वो कैसे एक्सप्लेन करूं तुम्हें? पर कामना और उसकी मम्मी से क्या प्रॉब्लम है? जिससे मैंने बात की ना, वो बच्ची थी, बहुत बदमाश थी। नाचूंगी ला 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 ला, मैं तो झूमूं। मम्मी हां, ये तो मुझे आता नहीं, मैंने सॉल्व कर लिया था। ये भी सही है, इसका आंसर तो मुझे पता है। क्या है? कुछ भी नहीं। हां, कहां गया वो? हां, चाहिए क्या? तुम सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, कवाना तुम इन सब पे नजर रखो। जैसा मैं पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है। एए, हम दोनों को क्यों घूर रही हो तुम? हाँ, सबकी तरफ देखो ना। मम्मी देखो इन दोनों को। ए, देख मैं करके दिखाता हूँ। मम्मी ये दोनों मुझे पेपर से मार रहे हैं। कवना मुझे डिस्टर्ब मत करो। मम्मी ये दुख रहा है। बाहर जाओ और खेलो। नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी। When we have a mix of variables, अभी लव लेटर लिख रहा है क्या? मैं लिख दूं क्या तेरे लिए? वो पढ़कर पागल हो जाएगी। थैंक्स यार। Numbers like 3, 2, 9. आई सुन, उसका नाम रोज लिखूँ या उसका नाम मैं रीमा लिख दूँ? रोज लिखना। हाँ। ये तू मत देख। ए, मुझे भी दिखाना। हेलो। उधर देखो। दिखाना। से बोल दो। मम्मी वहां पर देखो। क्या मैं लेक्चर दे रही हूँ? तो तुम लोग अपना सर क्यों हिला रहे हो? हे, क्या लिख रहे हो तुम लोग? मिस नोट्स है, नोट्स लिख रहा हूँ। मम्मी झूठ बोल रहा है। अरे ये नोट्स है, छोड़ दे इसे, और कुछ नहीं है इसमें। मत बोलो और मुझे दो। अरे ये फट जाएगा, ऐसा मत करो। मुझे दो कहना। टेंटेंट, चॉकलेट चाहिए क्या? बुक छोड़ो फिर। चलो जाओ। प्लीज जाओ ना। प्लीज जाओ। दो मुझे। मिस, मिस, मेरे नोट्स है मिस। मिस, ये नोट्स है मिस। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखा है मिस। ये सब फॉर्मूला है? यस मिस। पढ़ो। That's okay, miss. पढ़ोगे या पेरेंट्स को बुलाऊं? पढ़ता हूँ ना, पढ़ो। To my dear Rose, first time I saw you, my heart started due to flying high. Second time I saw you open in the glass, I felt you look like Titanic heroine. So I call you Rose for today, tomorrow and every day. I love you. If you love me, I'll lucky. Tu hans kyun raha hai? Miss, complete ho gaya miss. From Adi. ग्रामर होता है, ग्लैमर नहीं। एक वर्ड ठीक से पता नहीं है और प्यार करना है।
तुम्हारा जैसा बैकग्राउंड है तुम्हें पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक भी लड़की नहीं मिलने वाली। क्या बात है? पर्सनल बात है, दो मिनट में आता हूँ। ठीक है, किसका कॉल था? जो का है। हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड? हाँ। तो फिर ये उसी से शादी क्यों नहीं कर लेता? नो नो नो। क्यों, वो एंटरटेनिंग नहीं है क्या? देखो तो उसका कॉल आते ही कैसे शर्मा शर्मा कर बातें कर रहा है। तुम इसे उससे शादी क्यों नहीं करने देते? जब तक मैं इस दुनिया में जिंदा हूँ उसके अच्छा? लिए हजार लड़कियाँ ढूंढ दूंगा, पर जो से शादी नहीं होने दूंगा। यहाँ मैंने तुम्हें बुलाया है। शांत हो जाओ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी। देखो कुछ ऐसे कारण है कि मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी जो से हो। अरे यार, अगर आदि उस लड़की से शादी करना चाहता था तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सर ये केस इतना इजी नहीं है सर। मैं समझ रहा हूँ, तुम आदि के लिए अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए आदि अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढने के लिए गया है। हाँ करेक्ट ना सर? हाँ। ये केस इतना इजी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। चाय बोल दो यार। तुम्हारे एरिया में तुम्हारे दोस्त के लिए लड़की ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है, पर दूसरे एरिया में ट्राई कर सकती हूँ। उसने कहीं और तो लफड़े नहीं किए ना? क्या बात है। सुषमा, इसे क्या हुआ? ये है सही लड़की। ऐसा मत करो विजू। ये अब से नहीं, कब से आदि से मिलना चाहती थी याद है? फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी। छे, मेरा दोस्त ज्यादा जरूरी है। किसका कॉल था? सीही का। अब ये सीही कौन है? बहुत स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू। बट विदाउट बियर्ड उससे भी स्मार्ट लगते हो। जैसे तुम अपनी वाइट स्कूटी का हॉर्न बजाते हुए क्या स्टाइल में आते थे। तुम्हारी एनर्जी, ओ माय गॉड, तुम उस टाइम मैसूर में बहुत फेमस थे। एक लड़की के लिए उसका फर्स्ट क्रश बहुत ही स्पेशल होता है, इसलिए तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, क्योंकि यू वर माय फर्स्ट क्रश। अपने फर्स्ट क्रश से मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत लकी हूँ। क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है क्या? हाँ। मैंने तुम्हें देखा है? सिर्फ देखा नहीं था, जब हम दोनों पहली बार मिले थे ना तब तुमने मुझे डांटा भी था। मैंने तुम्हें डांटा था? हाँ, तुम्हें याद नहीं है? नहीं। 2008 मई 14th। एक मिनट, 2008 मई 14, उस दिन तो मैं जो से पहली बार मिला था, उस दिन वो दोनों थी, उसके बाद वो लड़की आई थी, फिर वो दूसरी वाली, बट ये वाली कहाँ थी कुछ याद नहीं आ रहा है। कब आई थी ये? तुम्हें
अब तक याद नहीं आया? रात के 8 बजे। एक मिनट, रात को 8 बजे हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। ये हम दोनों को छुपके कहीं से देख रही थी क्या? तुम्हें अब तक पता नहीं चला? नहीं। तुम उस दिन खुशी से भागते हुए आए थे। एक मिनट को। तुमने मुझे हे बच्चे अंदर जाओ ऐसा कहा था। हे तुम अंदर जाओ। हे बच्ची तुम अंदर जाओ। विजू की कजन है। हाँ हाँ हाँ। समर हॉलिडे के टाइम आई थी ना? मैं हर समर हॉलिडे को आती हूँ। वैसे तुम उस दिन खुशी से भागते हुए आए थे ना? पर क्यों? 2008 में ना? मई 14। हाँ, उस दिन मैंने पूरे मैसूर में हाई स्कूल में टॉप किया था, इसीलिए मैं खुशी में भागते हुए आया था। हे, तुम अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे ना? ऐसा है क्या? हर साल टॉप करता हूँ ना, इसलिए भूल गया। हर साल टॉप करता हूँ तो भागना पड़ता है। झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम उस दिन भागते हुए क्यों आए थे। तुम्हें पता है? बताऊँ? अभी नहीं। क्यों? मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? रेस्टरूम। आता हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके। हेलो विजू भैया, थैंक्स हम दोनों को मिलाने के लिए। वो अभी रेस्टरूम गया हुआ है। मैंने उसके पास के बारे में बताकर उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था। देखो तुम उसे ज्यादा परेशान मत करना। मैंने बोला ना, मैंने इम्प्रेस कर लिया है उसे। मैच्योर लड़की की तरह उससे बात करना। ओके, आप मुझे सिखा रहे हो कि बात कैसे करना है। आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे उसे इम्प्रेस करती हूँ। ठीक है ठीक है, वो आ रहा है। जंकी मैडम, आदि जब निधि के पास फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए गया तो प्रपोज कर दिया। ये आइडिया पक्का वर्कआउट होगा। तुम भी एक ब्रोकर बन गए हो। आई एम नॉट अ ब्रोकर, आई एम अ मैचमेकर। आदि क्या बताऊं तुम्हें? अभी तो नहीं, तुम कुछ खाओगी क्या? दोस्त जरा इधर आना। योर ऑर्डर सर। मेरे लिए लेमन जूस, और तुम्हें क्या चाहिए? जो ये ले रहे हैं सेम मेरे लिए भी। ओके, 2 लेमन जूस। जी सर। ओके सर। अब बताओ। अपने बारे में कुछ बताओ। अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगी तो मुझे तुम्हारे बारे में भी बोलना पड़ेगा। ऐसा क्या? पता है मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे इस तरह बैठकर बात करूं। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया। फाइनली तुम्हें पता है तुमसे मिलने के लिए मैंने क्या क्या किया है? बताओ। ओके। और ये आ गया। मेरा नंबर कभी भी नहीं आता है। शिट, तू फिर से चली आ रहा। विजू भैया। हाँ बोलो। 8। विजू भैया। अरे बोलो ना। क्या मैं बच्ची जैसी दिखती हूँ? बच्ची हो तो वैसे दिखोगी ना। अरे बोलो ना। दिखती हो लेकिन हो नहीं। ठीक है ठीक है ना। 8। सुनो अर्जेंटली यहाँ आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ए मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो तुम? मैं गेम खेल रही हूँ। अच्छा ठीक है। तूने फिर से 8 फेंक दिया। अब देख तू हारेगा। अरे क्या हो रहा है, हर बार मैं हार रहा हूँ। किसका फोन है? आदि। हाँ बोल। क्या हुआ तुझे? मैं तुझसे अर्जेंटली आकर के मिलूं, ऐसा मैसेज क्यों किया तूने मुझे? मैंने कब मैसेज किया तुझे? लगता है रॉन्ग नंबर पे चला गया। ए विजू चलना। हाँ मेरा ये। नहीं किया जाता। झूठ मत बोल। ये बता कल रात तूने कौन सी फिल्म देखी थी? 48। ए बोला ना गलती से मैसेज चला गया। आंटी आपने बुलाया? हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ए ए ए पागल, मुझे 4-8 मिला था। तू चीटिंग कर रहा, मुझे नहीं खेलना। खेलना ही नहीं तेरे साथ। फिरा किसको, फेंक दे। विजय भैया कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड से मिलने। क्या मैं भी चलूं? ठीक है चलो। आंटी मैं विजू भैया के साथ जा रही हूँ। चलो भैया। ए मैं आदि से मिलने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है तो मैं नहीं आ रही हूँ। आंटी मैं नहीं जा रही।
क्या हुआ? Actually, अरे बोलना। आदि से मिलना है क्या? ए, उसकी पहले से गर्लफ्रेंड, तुम जाओ यहाँ से। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसके साथ रहेगी क्या? सही कहा, क्या गर्लफ्रेंड हमेशा रहेगी? वेरी क्यूट। थैंक्स। आगे और भी ज्यादा क्यूट है। सुनो वेजू भैया, हाँ। कल मैं अपने घर जा रही हूँ। तो जाओ ना। आपका दुख नहीं हो रहा क्या? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पापा से बात करके यहाँ एक और दिन रुक सकती हूँ। आप आदि से मिलवाएंगे मुझे? ए, हाँ। तू जा यहाँ से, जा। विजु भैया, समर वेकेशन खत्म हो गई। तो क्या करूँ मैं? आप मुझे दशहरा हॉलीडे में आदि से मिलवाएंगे क्या? ओए बच्ची, अभी मैं गेम खेलने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे परेशान मत कर, चल जा। हेलो विजु भैया, आदि का ब्रेकअप हो गया? नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन वो लोग साथ में रहते हैं। ओके, देख ले। हेलो। हेलो विजु भैया, उनका ब्रेकअप हो गया क्या? हे, जब देखो मनहूस बातें करती है, फोन रख। ए, फिर से वही है, कॉल को स्पीकर पे डालता हूँ। हाँ विजु भैया, ऐसा लग रहा है कि आदि और जो का ब्रेकअप हो गया है, क्या मैं अभी आ जाऊँ? आप मुझे उससे मिलवाएंगे? ओए बच्ची, आदि और निधि की शादी फिक्स हो चुकी है। दोबारा इस बारे में कॉल करके मुझे परेशान मत करना। उसकी शादी फिक्स हो गई है क्या? विजु भैया, आपने मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। आपको तो पहले से पता है ना कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। आप मेरे दुश्मन है, शादी करे ना तो करने दीजिए। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन वो लोग साथ में रह पाते हैं। ऑफ कोर्स ये क्यूट तो नहीं है। सॉरी, मैंने गुस्से में ये सब कह दिया था, पर मैं ये सब नहीं चाहती थी। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते थे, मुझे पता है। आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर यू। पर बाद में जब मुझे सब पता चला, मुझे बहुत दुख हुआ। विजय भैया मुझे बता रहे थे कि तुम निधि को बहुत मिस करते हो। लिव इट, क्या मरी हुई बीवी की यादें हमेशा साथ रहती हैं? क्या नहीं रहती है? मैं भी रहती होगी, इट डिपेंड्स, है ना? हेलो, कहाँ? जेड गार्डन। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुम कुछ बोल रही थी ना? मैं बोल रही थी कि यादें रह सकती हैं। उससे पहले? उससे पहले उन दोनों की शादी हो रही है, देखती हूँ दोनों साथ में कैसे रहते हैं। यू आर राइट, निधि मेरे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं रह पाई। मुझे एक कॉल आया था, अभी जाना पड़ेगा। बाय आदि। I'm so sorry, आदि। उसने मुझे एक बार क्यूट बोला तो मैंने एक्साइटमेंट में आकर जो मन में आया वो कह दिया और सारी गड़बड़ कर दी। भैया, He's gone. It's a big flop. प्लीज विजु भैया, मेरी हेल्प कीजिए ना। अभी कहाँ है वो? उसे एक कॉल आया था, अर्जेंटली जेड गार्डन गया है। ओके, ठीक है। क्या हुआ? मीटिंग के बीच में जो का फोन आ गया तो वो उसे मिलने के लिए चला गया। क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ यार? सुनो, तुमने मुझे अपने दोस्त के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कहा है, पर वो तो अपनी एक्स से शादी करने के लिए गया है। मुझे उनकी शादी में क्या ताली बजाने के लिए बुलाया है? उस दिन जब तुमने बताया मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। उसे आज डिसाइड करना ही होगा, या तो उसकी लाइफ में मैं रहूंगा या फिर वो जो। चलो। यहाँ पर हैं आदि सर, जो मैडम, आप दोनों को नमस्कार। हे, तुम लोग यहाँ कैसे? सॉरी सॉरी सॉरी, लगता हमने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ? पर्सनल मैटर के बारे में बात करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं।
इतनी बकवास बातें क्यों कर रहे हो विजू? बिल्कुल बकवास नहीं, वो अपनी लाइफ में अकेला है, तुम जो बोलोगी वो ये सुनेगा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब तुम क्यों चुप हो? आदि, तुम शादी कर रहे हो इससे डायरेक्टली हमें बता सकते थे ना? हाँ? इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया। हाँ? ये लड़की नहीं चाहती है कि कोई अपनी जिंदगी में जरा भी खुश रहे। हेलो, फिर से बोलो। ये नहीं चाहती है कि अपनी जिंदगी में कोई भी इंसान खुश रहे, और क्या? मैं इसके साथ पिछले एक साल से रह रहा हूँ। देखिए सर, आप खुश रह सकते हैं पर आदि इसके साथ खुश नहीं रह सकता, ये मतलब है। लेकिन वो मेरी बीवी के साथ क्यों रहेगा? क्योंकि सर ये दोनों एक्स लवर हैं। पहले इनका प्यार वर्कआउट नहीं हुआ तो फिर अभी कैसे वर्कआउट हो सकता है, इसीलिए मैंने कहा एक्स लवर्स। सर ये सब आपको पता नहीं था क्या? सही टाइम पे आके सब कुछ खराब कर दिया, थैंक्स। हे विजू, क्या हो गया यार तुझे? मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई, इनफैक्ट बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ मैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जब भी पूछो पर्सनल पर्सनल मैटर बोलता है। ये तेरा पर्सनल मैटर है? एक शादीशुदा लड़की के साथ क्या पर्सनल मैटर है तेरा? देख कुछ भी मत बोल, हाँ उन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओ, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और दोनों मिलकर एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं ना? देख तुझे सच्चाई नहीं पता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले तुम कौन होते हो? सारी बात तुम उसे शेयर कर सकता है ना? ये सब क्यों नहीं बताया? एक साल से मैं तेरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ, तूने मुझे जरा भी वैल्यू नहीं दी है। मैंने उससे मिलवाया था, जब तू निधि से मिला था उसी दिन तू उससे शादी करने के लिए रेडी हो गया था, याद है? अब ये निधि कौन है? इसकी पत्नी। ओ, वो जिसकी डेथ हो गई। मैं निधि को भूल गया हूँ। और नहीं तो क्या, किसी और से शादी करने के लिए तुम उतावले हो ना? देख रही हो कैसी बातें कर रहा है? वो सब देख सकती है पर निधि देखने के लिए अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। तुम देख रही हो ना क्या बोल रहा है मुझे? ये तुम्हें देखने के लिए कह रहा है तो एक बार देख लो। अरे क्या देख लूं मैं, इसके नाटक देख देख के मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम देख रही हो ना ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं? और क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले बोलना बंद करो, और ये क्या देखने के लिए कह रहा है वो एक बार देख लो। अरे तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो निधि? एक मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ, तुमने निधि को देखा? मैंने उसे नहीं देखा। तुमने उसे देखा? भैया ये भूत है या फिर कुछ और? जुबान अंदर लो, अंदर लो। तुम लोग उसे एक मंदिर में ले जाके एक अच्छे पंडित से पूजा क्यों नहीं करवा रहे हो? मैंने भी यही बोला इसे। हाँ। पर ये किसी साइकेट्रिस्ट के पास उसे लेकर चली गई। साइकेट्रिस्ट? मैं अभी मीटिंग में हूँ, उन्हें क्लिनिक आने के लिए बोल दो। हाँ जंग, सॉरी जंकी। तुम्हें जो बोलना है बोलो। क्या निधि यहाँ भी आई है? ये मोबाइल में बिजी है, हो सकता अभी वो यहाँ नहीं हो। अच्छा So, how are you feeling? I'm good. So, Mr. Adi, आपकी बीवी को मरे हुए 2 साल गुजर चुके हैं ना? क्या तुम अभी भी उन्हें देख सकते हो? ये सब कब से हो रहा है? मेरे दोस्त विजू ने मुझे एक लेटर दिया था जो मेरी वाइफ ने लिखा था। मैंने कब दिया? हाँ मैंने दिया। मेरे पास बेटर सरप्राइज है, उधर देखो। उस लेटर में क्या लिखा था? हाय आदि, कैसे हो तुम? अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब 2 साल बाद भी तुम मुझे भूले नहीं। आदि तुम्हें याद है उस दिन जब हम एप्पल खा रहे थे? आदि
अभी हम दोनों एक साथ हैं, पर किसी दिन अगर सडनली मैं मर गई तो क्या करूँगा मैं? क्या सोच रहे हो तुम? तुम कुछ खा नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, कुछ भी ठीक से कर पाने का तो कोई चांस ही नहीं है। किसी और से शादी भी नहीं करोगे। तुम इन सब बारे में मत सोचो। हाँ, जो और मैं 4 साल तक रिलेशन में थे, उसके बाद मैंने तुमसे प्यार नहीं किया क्या? सब हो जाएगा। क्या जो और मैं सेम है? नहीं, तुम स्पेशल हो, तुम्हारे साथ अटैचमेंट ज्यादा है मुझे। सो रिकवर होने में 1 मंथ लगेगा, उसके बाद मैं दूसरी लड़की पटा लूंगा। मैं तुमसे सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियस ही हूँ। तुमने बोला था कि तुम 1 महीने में दूसरी लड़की पटा लोगे। क्या आदि, क्या तुम्हें ये 2 साल में कोई और लड़की नहीं मिली? जब मैं लेटर लिख रही थी तब मुझे पता था कि तुम ये जरूर पढ़ोगे, बट फिर भी मैं भगवान से प्रे करूंगी कि तुम्हें 1 हफ्ते में कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मेरी तबीयत खराब होने पर जिस हिसाब से तुम मेरा ख्याल रख रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ और रहूं, बट मैं उतनी लकी नहीं थी कि तुम्हारे साथ रह पाऊं। पर तुम्हारे साथ थोड़े टाइम रह के ही मुझे बहुत खुशी मिली। थैंक यू। पर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस देना होगा कि तुम हर जन्म में मेरे ही पति बनोगे। ओके ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। बट इस जन्म में तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना? तुम कितने खुश थे हमारे बच्चे को लेकर, कितने सपने देखे थे तुमने, वो कभी भूल नहीं सकती मैं। तुम्हारे सपने अधूरे नहीं रह सकते हैं आदि। मुझे पता है अभी तुम्हारे ना कोई सपने होंगे और ना कोई ख्वाहिश। अगर तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। तुम्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए, पापा बन जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगेगा मेरी वजह से तुम अपनी ऐसी जिंदगी जी रहे हो। आदि, तुम फिर से शादी करोगे ना? तुम किसी चीज के लिए टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी लाइफ फिर से सेट होने तक तुम्हारे साथ हूँ। तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? अगर लड़की इंटरेस्टिंग होगी तो तुम्हारी लाइफ भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो लड़की को वो कौन सा वर्ड है जो तुम हमेशा बोलते हो? सनकी होनी चाहिए। करेक्ट। हाँ। लड़की सनकी होनी चाहिए। नेक्स्ट। तुम इस पे ज़ूम कर रहे हो? शी इज़ रिजेक्टेड। तुम्हें रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये मुझे ही रिजेक्ट कर देगी। प्लीज। तुम्हें देखना ये वाली। ए, तुम मुझे दुबली कैसे बोल रहे हो? हे, दुबली क्यूटी। हाँ? क्यूटी दुबली। हाँ? अबे क्या नाम था इसका? डार्लिंग क्यूटी। हाँ, डार्लिंग क्यूटी। तुम उस दिन खुशी से भागते हुए आए थे ना? क्यों? 2008 में ना? उस समय मैंने पूरे शहर में हाई स्कूल में टॉप किया था। उसी खुशी में दौड़ते हुए आया था। हे, तुम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में थे। वो हर साल मैं टॉप करता हूँ ना, इसलिए कौन से साल में क्या टॉप किया पता ही नहीं चलता है। झूठ बोल रहे हो, मुझे हा? पता है तुम उस दिन भागते हुए क्यों आए थे। पता है तुम्हें? बताऊं? हाँ, बोलो बोलो। अभी नहीं। क्यों? 2 मिनट में आता हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तुम बोलो। रेस्टरूम। हाँ, कहीं नहीं, तुम बोलो ना, बोलो। थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। वो बोल रही है। छोड़ो ना, तुम भाग क्यों रहे हो? भाग क्यों रहे हो तुम? वो तुम्हारे बारे में सीक्रेट बता रही थी, तुम नहीं चाहते मुझे पता चले, इसलिए यहाँ भाग कर आए हो ना? अर्जेंट है। झूठे। सच में बहुत जोर की लगी है। झूठे, तुमने बहुत टाइम से पानी भी नहीं पिया। अच्छा, तुम मेरा टेस्ट ले रही हो? चलो आ जाओ फिर। नहीं, ठीक है। तुम्हें मेरे ऊपर डाउट है? 100% डाउट कर रही हूँ। तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। ये लेडीज टॉयलेट है, यहाँ तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ। तुम डोर ओपन करोगे? चांस ही नहीं है। आदि, अब बताऊँ? हाँ, बोलो बोलो। अभी नहीं, तुम कुछ खाओगी क्या? भाई जरा इधर आना। यार जो फोन कर रही है, लो उससे बात कर लो, कोई पर्सनल मैटर होगा, बात करो ना। अरे कर ले कर ले। 2 मिनट में आता हूँ। श्योर। ये लेटर देने का आइडिया किसका था? एक्चुअली मैं आइडिया इसका था, पर दिया मैंने था उसे। तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है क्या?
क्या कोई किसी डिप्रेस्ड पति को उसकी मरी हुई बीवी का लेटर देता है क्या? सॉरी सर, इट वाज अ मिस्टेक। अच्छा, उसका डिप्रेशन जब शुरू हुआ उसी वक्त मेरे पास लेकर के क्यों नहीं आए? सॉरी सर, अब हम क्या करें बोलिए। मिस्टर राधे, रीजन ये है कि यू आर जस्ट हेलुसिनेटिंग हर। मुझे पता है कि निधि सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आई नो आदि, यू आर वेरी 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 हैप्पी, बट इस खुशी के साथ आगे बढ़ना अच्छा नहीं है। इट विल लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता है ये इतना सीरियस है। आदि, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आज से ही तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूँ। टैबलेट्स खाना बिल्कुल मत भूलना। डोंट वरी, आई विल मेक श्योर यू विल बी फाइन। भाई, मैं पीछे बैठता हूँ, ओके? क्यों, आगे बैठना? निधि आगे बैठेगी ना यार। हे, वो ऑलरेडी पीछे बैठ गई है। ओह नो। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैंने कैब बुक किया है। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी बुक करो? मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय बाय। अरे यार, ये क्यों फोन कर रही है? जंकी, हम दोबारा कब मिल रहे हैं? मिलते हैं ना, जल्दी मिलते हैं। निधि, सॉरी निधि, सच तो ये है, आदि बहुत अच्छा लड़का है। तुम दोनों के प्यार को हम जज कर ही नहीं सकते हैं। सच कहूं तो वो बहुत लॉयल लड़का है, लेकिन उसका सिलेक्शन बहुत पुअर है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। आखिर तुम्हें भी तो मैंने ही सिलेक्ट करवाया था, ये तो तुम्हें याद ही होगा। ऐसे ही मैंने सिही को भी सिलेक्ट कर लिया है। बस वो थोड़ी सी चाइल्डिश टाइप की है, बट लड़की बहुत अच्छी है। क्यों सुषमा? अरे निधि को बोलो ना तुम। हाँ निधि, सिही बहुत अच्छी लड़की है। सुषमा, हाँ, किससे बात कर रही हो तुम? निधि से। क्या वो यहाँ नहीं है? सॉरी यार, मुझे क्या पता वो यहाँ नहीं है। विजू, निधि ने सिही को बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था। थैंक्स निधि, थैंक यू वेरी मच। तुम भी थैंक यू बोलो। भाई, सब कुछ ठीक हो गया है, बस एक गिल्ट मुझे परेशान कर रही है। कैसी गिल्ट? सर, मेरी वजह से जो काफी परेशान हो गई थी सर। ओह, करेक्ट, सॉल्व हो गई? सिर्फ दो बातों में सर, हो गया। सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर, मैंने उस दिन गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया सर। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे सर, पर इतना प्यार व्यार नहीं था। लव स्टोरी वाला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था सर। सर, मुझे माफ कर दो सर। रिलैक्स विजय। सर, सच कह रहा हूँ सर, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है, बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह। अरे अरे, राम सीता की तरह सर। इट्स ओके, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, वो आदि ने तुम्हें नहीं बताया क्या? नहीं सर, उसने मुझे नंबर दिया और कॉल करके मुझे आपसे माफी मांगने के लिए बोला। So sweet of him. हाँ सर, वो बहुत स्वीट है। ये पाँव में गिर के माफी मांगने का आइडिया उसका ही था। तो जो की फैमिली की परेशानी खत्म हो गई, आदि निधि ने सबको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब शादी बिना टेंशन के खत्म हो गई होगी। हाँ, प्यार करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, पर शादी ऐसे नहीं होती है सर। और ये आदि की दूसरी शादी है। जब ये बात सिही की फैमिली को पता चली तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उसके मम्मी पापा हमारे घर आके बोले वो किसी भी हालत में ये शादी नहीं होने देंगे। उन दोनों ने बहुत नाटक किया, बट सिही भी बहुत जिद्दी थी। उसने कह दिया शादी करेगी तो आदि से ही करेगी। पापा, जिद मत करो। सिही, तुम अभी बहुत छोटी हो। देखो, जिद मत करो, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए। प्लीज पापा, मैं बस उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मम्मी, ये तो हर बात में रोती है। तुम चाहे जितना भी रो, हम नहीं मानने वाले। पापा, मुझे पता है मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, पर आप ही नहीं करते क्या? आपको पता है मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ, पर आप दोनों मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। अब पता नहीं कितने दुख झेलने पड़ेंगे मुझे। लोग से ही, तुम कितना भी जिद कर लो, हम लोग नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं जा रही हूँ, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अरे अंकल, उसने डोर लॉक कर लिया, कहीं कुछ करना। अरे जो करती है करने दो। अब मैं क्या करूं? उनके दादाजी इस घर के फैसले लेते हैं, अगर मैं उन्हें मना सकूं तो बात बन सकती है। अंकल, इस घर में उम्र में सबसे बड़े दादाजी हैं, तो हमें उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। है ना आंटी? सही कहा इसने, अपने पापा को फोन करिए। हाँ सही है, लीजिए अंकल, उन्हें फोन कीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए उनसे, बात कीजिए। हाँ
उनसे यहां आने के लिए बोलो। तो अगर दादाजी मानेंगे तभी ये शादी होगी, है ना? आदि, वहाँ जाने से पहले दादाजी के बारे में रिसर्च कर लो। सी, हमें दादाजी के बारे में कुछ बताओ ना। बोलो। सी, अपने दादाजी के बारे में कुछ डिटेल्स बताओ। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड हैं। हमारी फैमिली के सारे फैसले वही लेते हैं। उनकी सिर्फ एक कमजोरी है, मेरी दादी। दादी से बहुत प्यार करते हैं, तो पहले दादी को मना लेते हैं। बट लास्ट ईयर मेरी दादी गुजर गई। वो पहली बार था जब मैंने दादाजी की आंखों में आंसू देखे। सो सैड, इतनी जल्दी कैसे मर गई? उन्हें कुछ और साल रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे जैसे। पर किसी और को ऐसा फील नहीं होता। मेरे लिए मेरे दादाजी बहुत प्यारे हैं, तुम्हारे जैसे। पर वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। मेरे दादाजी मुझे कभी नहीं डांटते। बट वो किसी और को छोड़ते ही नहीं ना? क्या ये हमें डरा रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो हमारे काम आ सके। इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे काम आ सके? एक्चुअली मेरे दादाजी को जज करना बहुत मुश्किल है, पर वो दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। वो कौन होते हैं तुम्हें जज करने वाले? उन्हें तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान का पैर धोके घर में स्वागत करना चाहिए। तुमने अकेले कितनी लड़कियों को इम्प्रेस किया, अभी तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दादाजी को मना लेंगे, चलो चलते हैं, जो होगा देखेंगे। मौसम बहुत प्यारा है, मस्ताना मौसम है। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाय सिही, आओ रेनू। अरे फर्स्ट स्टेप ही कीचड़ पर रखा। आदि, वहाँ पे कोई पौधों में पानी डाल रहा है, तुम उसे अपने पैरों पर पानी डालने को बोलो और उसे 500 रुपए दे दो और दादाजी के बारे में फुल डिटेल्स मांग लो, इससे बहुत हेल्प होगी। गुड आइडिया। मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम्हें अच्छे आइडियाज दूंगी, जाओ। चलो। चाचा जी, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वैसे दादाजी कैसे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? चाचा जी एक बात बताऊं, आप इतने अच्छे हैं तो दादाजी तो और अच्छे होंगे। इन्हें 500 रुपए दो, सब बता देंगे अभी। हाँ। सिर्फ 10 रुपए नहीं, 500 रुपए। देखो देखो चेहरे पर स्माइल, देखो देखना अभी सब बता देंगे। रख लीजिए, उनके बारे में बताइए ना दादाजी। हाँ? हाँ? ये चली गई। सॉरी दादाजी, आशीर्वाद दीजिए ना प्लीज। रेनो पानी बंद कर दो। सी, लगेज लेकर अंदर आओ। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेस खुल गए हैं, वही बांध रहा हूँ। लेस? नहीं है क्या? इतना झुक क्यों रही हैं? ऑलरेडी आप इतनी छोटी हैं। लेस बांधने की मदद करने के लिए देख रही थी। थैंक यू। वेलकम। ये आइडिया वर्कआउट नहीं किया, पर तुम टेंशन मत लो, मेरे पास और भी कई आइडियाज हैं। मैं एक के बाद एक बताऊंगी, तुम बस फॉलो करना। हाय, ये तुम्हारी बॉल है, इधर आओ। हाय हाय। हाय। मेरा नाम है आदि और ये है निधि। तुम्हारा नाम क्या है? आदि। लगता है ये डर गया है। hey, मैं मजाक कर रहा था। मेरा नाम आदि, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भी आदि है। तुम्हारा नाम भी आदि है? आदि? ये रेनू का बेटा है, इसका नाम है आदि। तुमने ही रखा है ना? ठीक है, चलो चलो अंदर चलो। तुम्हारे अंकल का कॉल आ रहा है, ये लो पकड़ो। चलो मैं आता हूँ। हाँ बोल भाई। दादाजी के साथ तेरी फर्स्ट मीटिंग कैसी थी? सुपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल।
तू सच में बहुत बदमाश है। तुझे मैं एक जोक सुनाऊं क्या? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल। पत्नी ने पति से कहा मैं घर छोड़ दूंगी तब तुम क्या करोगे? तो पति ने बोला मैं तुरंत एक न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा एड छपवाऊंगा। पत्नी बोली वाह, पर ये एड किस चीज का होगा जानू? पति बोला माय वाइफ इज वांटेड। कैसा लगा मेरा जोक आदि? तू, तेरी वाइफ, तेरी फैमिली, तेरे दादाजी और तेरे जोक्स, ये सब मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? चल फोन रख। बेडशीट धोई थी ना रेनू, ये साफ है ना? और पिलो कैसा? सब साफ है। हाँ? हे आदि, ला मुझे दो। हाँ, अभी के लिए यही तुम्हारा रूम है। एक्चुअली दिस इज माय रूम, मैं जब भी आती हूँ मैं इसी रूम में रुकती हूँ। हाँ हाँ, अभी ये सही का रूम है, शादी के बाद ये आप दोनों का रूम हो जाएगा। रेनू, तुम चुप नहीं रह सकती, क्या बोल रही हो? जो निधि सिंह। तो ये बात ये है। कैसे आ गया? दो दो मुझे। कोई बात नहीं, इसे यहीं रहने दो। ये भगवान, ये यहाँ कैसे रह गया? ला मुझे दे दो। कोई बात नहीं, इसे मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, ओके ना? ओके। रेनू, क्या कमाल की जोड़ी है, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी है। एक्चुअली वो इसे मैं एक्सप्लेन करूं क्या? पकड़ो इसे, जरा पीछे जाना, जाओ ना थोड़ा और पीछे, इसे ऐसे पकड़ते हैं और फिर आदि। तुमने इसमें आदि लिखा है, अब ये आदि जिस पे भी लगेगा उसे आदि मिलेगा, करेक्ट है ना? चलो फिर देखते हैं ये आदि किसे मिलने वाला है। सीढ़ी पर ही आकर रुकेगा, मुझे पता है। Got it. अगर जो या निधि पे लगा होता तो एक बार ये बात सच भी हो जाती। तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ। हाँ। थैंक यू। बहुत खुश हो ना? तुमने उसके ऊपर एम करके फेंका था ना? ये लो पकड़ो, तुम ही निशाना लगाओ, जिस पे भी ये लगा उसी से मैं शादी करूंगा। किसे हिट किया? सी पे। मुझे पता था। आओ। रेनू, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये हमेशा वहीं बैठ के खेलते रहता है। ऐसा क्या? बाहर है जो बेटा, खाना खाते हैं। अकेले खेल रहे हो, बोर नहीं होते हो क्या? तो फिर एक काम करो, निधि के साथ खेलो। निधि जाओ उसके साथ खेलो। मम्मी। मम्मी। और ये अंदर से बाहर कैसे आया? बच्चों से प्यार से बोला जाए तो वो सुनते हैं। गुड इवनिंग दादाजी। गुड इवनिंग। चलो। गुड इवनिंग दादाजी। गुड इवनिंग। सिही को दादाजी बुलाने दो, तुम दादाजी मत बुलाओ, उनसे बोलो कि वो तुम्हें बहुत यंग लगते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें दादाजी बुलाना अच्छा नहीं लगता, दादाजी इम्प्रेस हो जाएंगे। ओके चलो। आप तो बहुत यंग दिखते हैं, इसलिए आपको दादाजी बुलाना अच्छा नहीं लग रहा, अंकल बोल सकता हूँ? देखा कैसे शर्मा रहे। अपने हिसाब से रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं बेटा, हर रिश्ते का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, यही बहुत है बेटा। ठीक है दादाजी। पता नहीं मेरे आइडियाज काम क्यों नहीं कर रहे। अगर हम किसी भूत से आइडिया मांगते हैं ना, तो आजकल जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वही होता है। हाँ बोलो। इस जनरेशन के बच्चे बड़ों की बात सुनते हैं क्या? जो होना है वही होगा।
तुम ज्यादा परेशान मत हो, ओके? क्या हुआ दादाजी, किसका कॉल था? मेरा एक दोस्त है बेटा, बहुत अमीर लोग हैं वो। अपने बेटे को एक नई कार दिलाना चाहते थे, लेकिन उसे सेकेंड हैंड कार चाहिए। किसी को सेकेंड हैंड कार क्यों अच्छी लगेगी जब न्यू कार मिल रही है तो? ए बुद्धू, तुम्हें बोल रहे हैं वो। तुम मुझे डांट रहे थे ना, अब उनकी डांट सुनो। सो बेसिकली दादाजी तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम सेकंड हैंड हो। उन्हें तो पता ही नहीं है कि तुम फोर्थ हैंड हो। आदि, दादाजी से पूछो कि वो इतने यंग कैसे लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पूछो कि दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे। एक अकेला पति ही दूसरे अकेले पति का दुख समझ सकता है, सेंटिमेंट जरूर वर्क करेंगे। पूछो उनसे। तुम चुप रहो ना। तुम पूछोगे या नहीं? मैंने बोला ना तुम्हें कुछ। पूछो ना दादाजी। इतनी रात में झाड़ियों में हाथ डाल रहे हैं, अगर अंदर सांप हुआ तो? यहाँ कोई सांप नहीं है। आपका गार्डन है, आपको ज्यादा पता होगा। सांपों के बारे में बात करने आए हो? दादी के बारे में पूछो, शादी के बारे में पूछो ना। दादाजी, दादी को गुजरे हुए कितने साल हो गए? अकेले रह के बोर हो गए होंगे ना? आदत हो गई है। वो नहीं है तो कोई है जो आपका ख्याल रखता है? उसके लिए रेनू है ना। लेकिन वो आपकी बीवी नहीं बन सकती ना। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? वो क्या है कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल दिया। वैसे भी अब आपका शादी करके क्या फायदा होगा? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना है, मैं बस ये कह रहा हूं कि इस उम्र में भला शादी कौन करता है। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी। तुम्हारे आइडिया सारे आइडिया सुपर्ब हैं। सो सैड, मेरे पति को दूसरे आदमी के साथ ठीक से बात करना भी नहीं आता। आदि, सोने जा रहे हो या फिर? नहीं नहीं, यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वेदर बहुत अच्छा है ना, तुम जाओ मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। तो तुम्हारी शादी होगी या नहीं ये दादाजी डिसाइड करेंगे ना? तो तुम्हारी लाइफ दादाजी के हाथ में है। तभी डिसाइड करेंगे ना जब जिंदा होंगे। उनका चैप्टर ही खत्म कर देती हूँ। हेलो मैडम, प्लीज आप चुप रहेंगी? वैसे भी मुझ पे कोई केस नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर जरूर कर देंगे। सॉल्व कर देना। हे, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? नहीं डरने वाला हूँ मैं, समझी ना। मेरे दोस्त का कॉल है। क्या हुआ, सोच रहे हो फोन कहाँ है? आजकल ईयरपॉड आता है वायरलेस। तो दिखाओ मुझे। Hey, तुम दोनों को ये कोई खिलौना लगता है? जाओ जाओ जाके सो जाओ, जाओ जाओ ना। जाओ, हाँ, जाओ, चलो बेटा। हाँ। Hey, निधि। हाँ, इन्होंने तुम्हें टॉन्ट मारी ना, अब इन्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? पिलो लेने आया था। पिलो? पिलो? वो तो तुम्हारे रूम में भी है। मुझे एक्स्ट्रा पिलो चाहिए। एक्स्ट्रा? वो एक्चुअली रात में मुझे पिलो पकड़ के सोने की आदत है, इसलिए। इस उम्र में? गुड नाइट दादाजी। आज तो वो बच गए, पर कल उन्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारे इंसल्ट कैसे की उन्होंने, हिम्मत कैसे हो गई उनकी? रेस्पेक्ट नहीं दे सकते हमें दादाजी को? तुम्हारे स्टेटस और लेवल दिखाना पड़ेगा। हाँ जरूर दादाजी होंगे। एक चाकू दो मुझे, मैं अभी मार देती हूँ। हे निधि, रिलैक्स रिलैक्स। तुम सो गए थे?
नहीं। अच्छा सही है, अंदर आने को कहो ना, हम तीनों बैठकर बातें करेंगे फिर यहीं सो जाएंगे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? श्योर। तुम दो मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती हो क्या? नहीं आदि, तुम दादाजी को इम्प्रेस करने में बिजी रहोगे तो फिर सिही को कब इम्प्रेस करोगे? तुम्हें उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए ना। जो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है उसे क्यों इम्प्रेस करना? पॉइंट, लड़कियों के मामले में करेक्ट पॉइंट देते हो पर जब किसी मर्द से बात करते हो तो फिर थर थर कांपने लगते हो। आदि ना? तुम यहाँ अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे ना, दादाजी तुम्हें इनडायरेक्टली टॉन्ट मार रहे हैं तो। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मार रहे हैं, उन्हें तो मैं बताऊंगी। प्लीज बुरा मत मानना, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके। सो स्वीट, दादाजी बच गए। कल हम घूमने जाए क्या? यहाँ पास में एक बहुत अच्छी जगह है। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। शर्मा रहे हो? कल तुम्हारी डेट है, सिर्फ तुम दोनों जाना, मैं नहीं जाऊंगी। प्राइवेसी होनी चाहिए। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगी। ओके। सच में नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है भाई। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। हंस क्यों रहे हो तुम? मैं नहीं जाऊंगी। आदि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाओ नहा लो, हमें बाहर जाना है ना। ठीक है। दादाजी के रूम का पिलो यहाँ कैसे आ गया? हेलो, क्या हो रहा भाई? अरे यार क्या बताऊं तुझे, एक तरफ दादाजी के हाथ फंस गया हूँ और दूसरी तरफ निधि के कारनामों से। ओ ऐसा, जरा निधि से बात करवा। आदि, तुम टाइम से अपनी दवाइयाँ तो ले रहे हो ना? ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, मैं टाइम से अपडेट करते रहना और दवाई लेना भूलना मत। ठीक है, बाय। बाय। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक करती रेलगाड़ी रेलगाड़ी। तुमने सब कुछ पैक कर लिया है ना? रेनू, तुम इसे उठा के क्यों घूमती हो? उसे उतार के शांति से काम कर सकती हो ना? अरे ये बहुत ज्यादा नाटक करता है, नीचे उतारा तो रोने लगेगा। ऐसा है क्या? आदि। मम्मी मुझे नीचे उतारो। ओ ओ, ये कैसे हुआ? ये आपकी बात कैसे मान गया? पता नहीं, लगता है बच्चे मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी आपको पसंद करते है ना सिही? रेनू, तुम्हारी लव मैरिज हुई थी क्या? पर आपको कैसे पता? लड़कियों का मैटर है ना, इसमें ये फास्ट है। सिर्फ लव मैरिज नहीं, हम दोनों घर से भाग के यहाँ आ गए थे। ओ, लगता है दादाजी कहीं जा रहे हैं। आदि, सुपर चांस है, दादाजी को हमारे साथ ड्रॉप करने के लिए ले चलते हैं और फुल शो ऑफ करते हैं। आजकल शो ऑफ करने पर ही वैल्यू मिलती है, सिंपल लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा क्या? चलो चलते हैं फिर। दादाजी, लगता है आप कहीं जा रहे हैं, मैं ड्रॉप कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। न्यू कार? मेरी न्यू कार है, इसलिए 25 लाख रुपए की है, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, सिर्फ 10 लाख का लोन कराया है। सैलरी? वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे 3 लाख रुपए सैलरी मिलती है। घर? और शहर में मेरा खुद का घर है, घर की EMI बहुत ज्यादा है, नहीं बहुत कम है। कार कैसी लगी? अच्छी है, मैंने भी एक कार खरीदी है। रेनो, देखा ना, शो ऑफ करने से दादाजी कितने खुश हो गए, पुरानी कार खरीदी होगी। बात करो बात करो। दादाजी, आपने भी सेकंड हैंड कार खरीदी? नहीं, नई है, रेंज रोवर। कितने की है? 1 करोड़ की। लोन में लेके आए होंगे, EMI भर ही नहीं पाएंगे और बैंक कार सीज कर लेगा। दादाजी, बैंक ने आपको 1 करोड़ रुपए लोन दे दिया? नहीं, मैंने मिर्ची बेच के कैश में दिया है।
मुझे लग रहा है हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक काम करते हैं, दादाजी को छोड़ो, सीही पे कंसंट्रेट करते हैं। उस दिन जब सीही तुमसे कुछ बता रही थी तब तुमने मुझे टॉयलेट में बंद कर दिया था, वो बात पूछो? तुम ही पूछो। हाँ, क्या पूछूं मैं? वो तुम फोन चला रही थी ना, इसलिए मैंने कह दिया कि कुछ पूछो। हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि तुमने टॉप किया था इसीलिए उस दिन खुश थे? वैसे मुझे सच्चाई पता है, बताओ। तुम इसे अभी तक नहीं भूली हो? परफेक्ट टाइमिंग, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। बोलो ना, बोलो प्लीज। मैं बताऊं क्या? उस दिन जब तुमने मुझे ये बच्ची अंदर जाओ कहा था। हे बच्ची, तुम अंदर जाओ ना। क्या हो गया भाई? मैंने उसे किस किया। किस किया? अरे यार, पहली किस थी मेरी। तुम पूरे लेआउट में रोमांस किंग के नाम से फेमस हो। तुम हमेशा जो के साथ घूमते रहते थे ना? देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया ये सब। नो, इट्स ओके। नो या, इट्स नॉट ओके। नो, आई मीन ये पर्टिकुलर एज में होता है। वो तो है। हाँ? मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स अ बिग क्राइम। बिग? आज तो तुम इस बारे में बहुत सोच रहे हो। तब तो रोमियो जूलियट की तरह थे। तब तो पूरे शहर में समंदर किनारे घूमते रहते थे, बस हेलीपैड में भी घूमते थे। पर तुम्हारी जो की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। जोड़ी? हे बच्ची, तुम उस समय बच्ची थी ना, इसलिए तुम ठीक से जज नहीं कर पाई होगी। मेरी और जो की जोड़ी बहुत ही बोरिंग थी। तुमने निधि को देखा था? फोटो देखी थी। काश डायरेक्टली देखा होता। उसकी आंखें, कलर, हाइट, स्माइल, वो बहुत ही खूबसूरत थी। तुम इसे कब से पका रहे हो? तुम इसके सामने अपनी बीवी की तारीफ करके इसके साथ चीट कर रहे हो। तुम बहुत बड़े फ्रॉड हो। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और फिर बस इतना ही। पुरानी यादों को याद करके क्या फायदा। करेक्ट। कब तक हम पुरानी बातों को याद करते रहेंगे? हमें लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए ना। मेरी फेवरेट जगह है। बहुत सुंदर है। क्या हुआ? आदि, कुछ चला के फूंक मारो, हेल्प करो उसकी। सुनो, मुझे देखो। मारो। इतनी सारी लड़कियों की आंखों में फूंक मारी है तुमने, और अभी इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो। उसका फेस पकड़ के फूंक मारो। रोमांटिक तरीके से। एक मिनट आता हूँ। जब भी मैं किसी से प्यार करता था तो मुझे लगता था वो मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था। फिर मैं नया प्यार तलाशता था। मानता हूँ मेरे साथ निधि नहीं है, लेकिन उसका सच्चा प्यार तो मेरे साथ है ना, इसलिए इस बार मैं फेल नहीं हुआ हूँ। क्योंकि सच्चा प्यार लाइफ में सिर्फ एक ही बार होता है। दोबारा प्यार करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वाओ। So, ये तुम्हारा यही जन्म है या दूसरा जन्म लेकर वापस आए हो? Actually, मेरा मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? पर ये तो साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारी इसी स्माइल पर तो फिदा हो गई थी। सी, जरा इधर आओ। हाँ। अदिति, ये है सी। सी, ये अदिति, मेरी फ्रेंड।
फ्रेंड? सिर्फ फ्रेंड नहीं, क्लोज फ्रेंड। सी, तुमने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़का चुना है। यू आर वेरी लकी। इस जन्म में तो ये तुम्हारा है, ये पक्का है। पर अगले जन्म का मुझे नहीं पता, इसके लिए तुम्हें भगवान से प्रे करना होगा, है ना आदि? तुम जाके कुछ ऑर्डर कर दो ना प्लीज। पर यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। पानी तो होगा ना, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्लीज प्लीज लेके आना, लेके आना, लेके आना प्लीज। अगर तुम फिर से शादी करने वाले थे तो मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकती थी ना। मेरे साथ एक पूरा दिन बिताने के बाद, मेरे लिए फाइट करने के बाद तुम अब किसी और से शादी कर रहे हो, ये सही है क्या आदि? आदि एक मिनट, मैं भी आती हूँ। मुझे लगा था कि सिर्फ तुम मेरे लिए फाइट करते थे, अभी पता चला सबके लिए फाइट करते थे ना। तुमने उसके साथ पूरा दिन क्या किया था, शादी के पहले या शादी के बाद? निधि कंफ्यूज मत हो, ये सब तुम्हारे जाने के बाद हुआ था। एक्चुअली ये मुझे पटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसे अपनी बहन समझता था। ओहो, सो सैड। इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ गई और तुम उसे अपनी बहन मान रहे थे? ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर सुमन। सुमन यही है आदि, ये मेरे भाई जैसा है। ओ, ये तुम्हारा भाई हुआ तो मेरा तो साला हुआ। आए साले साहब, हाथ मिलाओ। तो तुम यहाँ अकेले आए हो? नहीं, एक्चुअली मेरी अपनी सिस्टर के साथ आया है। सिस्टर के साथ आया हूँ। आदि, हम दोनों हमारे हनीमून पर यहाँ आए हैं। हाँ, या हम लोग हनीमून पे आए हैं। ओके, आप दोनों से मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर मिलेंगे। या ओ, हाथ तो मिलाओ। डॉक्टर ने बोला है कोविड का टाइम है ना। ओके ओके, तुम लोग हनीमून पे आए हो ना। ओ ये कम बेबी। तुम्हारी बहन से ही वेट कर रही है, जल्दी चलो। हाँ बोल भाई। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोक याद आया है, तुझे जरूर पसंद आएगा। अबे यहाँ मेरी लाइफ जोक बन गई है और तू चाहता है कि मैं तेरे जोक सुनूं? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भाई, दोबारा फोन मत करना। क्यों, क्या हो गया? कितना बड़ा हो गया है ना। यहाँ हर तरफ पेड़ है, इसमें क्या स्पेशल है? ये सब मेरे दादाजी के बहुत करीब है। वो क्यों? क्योंकि ये सब मेरी बीवी ने उगाए थे खुद के पैसों से। ओ, दादी मटकेरी काम करने जाती थी ना? हाँ, वो बैंक में काम करती थी। नहीं, वो एक हाउसवाइफ थी। लेकिन आपने कहा उन्होंने अपने पैसों से लगाया था ये? मैं उसके काम के लिए महीने में उसे पैसे देता था। मतलब आप उन्हें घर में काम करने के पैसे देते थे? तुम दिन में कितने घंटे काम करते हो? 8 घंटे। और हफ्ते में कितने दिन करते हो? 5 दिन। महीने में 20 दिन काम करके तुम लाखों रुपए कमाते हो ना, और तुम जो चाहते हो उसे अपनी मर्जी से खरीदते हो। तुम जानते हो मेरी बीवी ने जिस दिन से मुझसे शादी की थी तब से लेकर उसके आखिरी दिन तक उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी। कंटिन्यूस काम किया, सबका ख्याल रखा। उसमें मैं हूँ चाहे मेरे बच्चे, सभी लोग शामिल थे। कितनी भी बीमार हुई उसने कभी भी कोई छुट्टी नहीं ली, किसी चीज को मना नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी उसे कुछ खरीदने के लिए क्या हमसे पैसे मांगने चाहिए? वो मेरे साथ 40 साल तक थी। 1 साल पहले ही वो गई है मुझे छोड़कर, लेकिन अभी भी लगता है कि वो अपने मायके गई हुई है। आदि, क्या तुम भी अपनी पत्नी को याद करते हो? ना बोलो इन्हें, ना बोलो इन्हें। याद उसे करते हैं जिसे खो देते हैं, पर जो हमारी सांसों में बसा होता है उसकी याद नहीं आती। उसके गुस्से को, उसकी जिद को, प्यार और उसकी स्माइल, अगर मैं वो सब भूल जाता तब तो उसे याद करता ना।
जब वो जिंदा थी तो हर चीज के लिए जिद करती थी। तब मुझे लगता था कि वो मुझे परेशान करती है, लेकिन उसके जाने के बाद ये सब उसकी यादें बनके मुझे सताने लगी। अगर आप मुझसे प्यार के बारे में पूछेंगे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से प्यार का मतलब मेरी निधि है। मैं जब भी उसका नाम लेता हूं ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में बस एक ही साल थी, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए अपनी यादें छोड़ गई है। कभी कभी मैं अपनी लाइफ को देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन जब तक निधि मेरे साथ थी, दुख और गम क्या होता है, भले ही एक साल के लिए वो मेरे साथ थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। सी, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम अपना पीलो लेना भूल गए थे, वही तुम्हें देने आया हूं। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। झिंक तता ता 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 झिंक तता ता 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 झिंक तता झिन 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 रेनू झिन हाँ सुपर्ब रेनू। घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग मंदिर गए हैं, आपको जाने के लिए बोला है। ओह ओके, चलो। दिन चिकका झिंक चिका झिंक चिका। हे आदि, तुम सो रहे थे, सोचा डिस्टर्ब ना करो इसलिए हम चले आए। कम कम, ये हमारे कुल देवता है विट्ठल भैरवेश्वर। 600 साल पुराना मंदिर है ये। मैं जब बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होता हूं तो यहीं पे आता हूं। ब्यूटीफुल। आई एम सॉरी आदि। दादाजी, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आदि, अक्सर मैं लोगों को सही तरीके से जज कर लेता हूं, लेकिन तुम्हारे केस में मैं गलत साबित हो गया, इसीलिए मैंने सॉरी बोला। सी, तुम्हारी चॉइस एकदम करेक्ट है। तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे घर में बात करूंगा, तुम खुश हो ना? दादाजी, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों बेटा? सिही, तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। हेलो हेलो पेजू भैया, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हेलो आदि, कैसे हो तुम? निधि कैसी है? मुझे लगा वहाँ बहुत बारिश हो रही है तो नेटवर्क का इश्यू होगा। हेलो हेलो, ए छोड़ो भाई। आदि, कुछ भी हो जाए पर अपनी दवाइयाँ
देना मत भूलना, ठीक है ना? डॉक्टर की बात याद है ना? सुन रहे हो तुम? हेलो हेलो, लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है यार। सुनो, निधि का ख्याल रखना, ठीक है? बाय, चलो फोन काटो। चाहिए क्या? पानी मिलेगा क्या? थोड़ा पानी। आदि? नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। ये अभी भी निधि की यादों के साथ ही जी रहा है। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ सच में, पर ये कभी भी मेरा नहीं हो सकता, ये मैं जानती हूँ। हमें कुछ चीजों को दूर से ही पसंद करना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा दूर से ही पसंद करती रहूंगी आदि। सही? आदि प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है। अगर तुम यहां थोड़ी देर और रुकोगे तो मेरे लिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज। आदि, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ बचा नहीं है ना करने को? आदि, मैं तुम्हारी लाइफ की क्लोज चैप्टर हूँ। मेरे साथ उलझे मत रहो, इसका कोई मतलब नहीं। कल मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? अपनी बीवी के बारे में बात करने से पहले मुझे सोचने की जरूरत है क्या? अगर मैं किसी को तुम्हारी जगह दे रहा हूँ तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें भूल सकता हूँ क्या निधि? इसका कोई मतलब नहीं, और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। तुम मुझे छोड़ के जाने की धमकी दे रही हो? ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। मैं तुम्हें बुला के किसी और को नहीं अपना सकता हूं। वो जगह सिर्फ तुम्हारी है। अगर फिर भी तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है तो जा सकती हो। देख, तुझे ये जोक तो सुनना ही पड़ेगा। पत्नी पति से नाराज होकर अपने मायके चली गई। पति ने कॉल किया, ससुर ने फोन उठाया और बोला कि क्यों बार बार कॉल करके उसे परेशान कर रहे हो। वो तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती है। पति बोला, क्या बताऊं आपको,
ये सुन के मुझे इतनी खुशी होती है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी एक बार भी वापस आए। कैसा लगा जोक? तूने उससे शादी की है या फॉर्मेलिटी कर रहा है? तू हमेशा उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तुझे याद है कि लास्ट टाइम तूने लव यू कब बोला था उसे? नहीं याद आ रहा है ना? शादी से पहले तो तू उसके आई लव यू बोलने का इंतजार कर रहा था, अब क्या हुआ? अब तुझे उसे आई लव यू बोलने का मन भी नहीं करता है? तेरी उससे शादी हो चुकी है तो क्या वो तेरी प्रॉपर्टी हो गई है? आज वो तेरे साथ है, कल को नहीं हुई तो क्या करेगा? कब किसी की लाइफ में क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हूं। शुक्र मना, वो तेरे साथ है, उसे वैल्यू दे। विजू, उससे तूने प्यार करके शादी की है ना, ये कभी भूलना मत। सुषमा, सुषमा बोलो ना। आई लव यू। आई लव यू टू। सुषमा, ए सुषमा, ये क्या है? तुम उसे फोन करो, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ। ओह, तब से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर, अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, आदि का नंबर दो, उसका नंबर ट्रेस करने के लिए दे दो। जी सर। हम कुछ कर सकते थे अगर वो जिंदा इंसान को ढूंढने गया होता, लेकिन वो तो जिसे ढूंढने गया है वो तो मर चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। रेनु, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए बस का वेट कर रही हूँ। अंदर आओ। हाँ ठीक है सर। रेनू, तुम क्यों जा रही हो? हाँ, इसे इसके पापा के साथ भेज देती। कैसे भेज देती? आपको नहीं पता क्या, 5 साल पहले ही मेरे पति गुजर गए। गुजर गए? जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तभी उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। सर पता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और नेपाल से भागकर यहाँ के शादी कर ली थी। वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, पर वो मुझे बहुत जल्दी छोड़ के चले गए सर। जब मैंने तुम्हें देखा था, मुझे लगा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। उनके जाने के बाद मैं मर जाना चाहती थी, जीना नहीं चाहती थी, पर आदि के पैदा होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जीने का क्या मतलब है। सच कहूं सर, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए, इसीलिए
मैं हमेशा खुश रहती हूँ सर। जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। सच कहूं सर, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए, इसीलिए मैं हमेशा खुश रहती हूं सर। मुझे लेके आना चाहिए था यार, जो भी आता है चॉकलेट ले आता है। ज्यादा चॉकलेट खाओगी ना दांत सड़ जाएंगे, चॉकलेट नहीं खाते। मुझे चॉकलेट खाना है। मैं मना कर रहा हूँ ना। बोला ना खाना है। मैं मना कर रहा हूँ। कहा ना खाना है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? आप चॉकलेट देंगे ना? हाँ, हाँ दूंगा। क्या हर रोज देंगे? तुम चाहती हो हर रोज दूँ? ठीक है, हर रोज दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अंकल आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे अंकल मत बुलाओ, पापा बुलाओ। तुम्हारा नाम क्या है? राम्या। क्या मैं तुम्हें निधि बुला सकता हूँ? सर आदि का फोन आ रहा है। हाँ स्पीकर ऑन करो, स्पीकर। यार कहाँ है यार तू? अबे उस समय तू कुछ जोक सुना रहा था ना, सॉरी यार मैंने तुझे डांट दिया था। चल अभी सुना। यार अभी वो सब रहने दे, कहाँ पर है तू? हे तू जोक कंटिन्यू करना। यार तुझे अभी जोक क्यों सुनना है, बाद में सुन लेना। ए, अरे जो बोल रहा है सुना दो। सर रहने दीजिए सर। ए, अरे सुना दो ना। सर मुझे नहीं बोलना है सर। अरे उसे जल्दी से सुनाओ। अरे सर रहने दीजिए। अरे सुनाओगे कि नहीं? जल्दी सुनाओ, सुनाओ। एक बार पत्नी घर छोड़ के अपने मायके चली गई थी। पति ने कॉल किया तो ससुर ने फोन उठाया और बोला, बार बार तुम फोन क्यों करते हो, वो तुम्हारे पास वापस जाने को तैयार नहीं है। तब उसके पति ने बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि वो अब घर नहीं आएगी, ये बात जितनी बार सुनता हूँ उतनी बार खुशी मिलती है, यही सुनने के लिए मैं बार बार फोन करता हूँ।
फैंटास्टिक जोक है भाई, सुषमा को सोच के ये बनाया क्या? मैंने कहीं इनकी शादी तो नहीं तोड़ दी। हेलो हेलो, मैं सुन सकता हूँ, बोल ना भाई। भाई मुझे निधि मिल गई यार। सर उसे निधि मिल गई सर, मैडम उसे निधि मिल गई, सुषमा उसे निधि मिल गई है। फोन स्पीकर पे है, मैं भी सुन रहा हूँ, कंटिन्यू। ए सुनना, ये बता तू है कहाँ? मैं निधि को लेके आ रहा हूँ। सर क्या निधि को यहाँ लाने को बोलूँ मैं? हाँ भैया लाने के लिए कहो ना, हम भी मिल लेंगे इसी बहाने। हे फोन कट करो, कट करो, कट करो जल्दी। हाँ सर। तुम्हें आदि मिल गया? हाँ सर। तुम्हें निधि मिल गई? हाँ सर। निधि मेटकरी में गुम गई थी ना? तो तुम सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन क्यों करने आए? फिर अगर निधि खो जाती है और आदि उसे ढूंढने जाता है तो तुम्हें मेटकरी जाके कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी, समझ गए ना? अगर तुम दोबारा मेरे पुलिस स्टेशन में आओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ये तो तारीफ करने वाली बात है। तारीफ करने वाली बात है, ये मेरा समय खराब करने आई है। जब देखो तब ये आई आई। अरे रे रे।